अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, HBL PSL सीज़न 9 आज के दो बड़े और सख्त तरीन कांटेदार मुकाबलों के बाद पॉइंट्स टेबल पर बहुत बड़ी तब्दीली। पहले मुकाबले में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 3 विकेटों से शिकस्त दी, जबकि दूसरे मुकाबले में क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 6 विकेटों से शिकस्त दी। आइए जानते हैं PSL का ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल क्या है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, PSL 9 के ताज़ा तरीन पॉइंट्स टेबल के मुताबिक मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पर मौजूद है, जिन्होंने 6 मैच खेले हैं, 3 हारे हैं, 12 पॉइंट्स हैं, 0.839 नेट रन रेट है मुल्तान सुल्तान। जबकि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पर आ गई है, 10 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 4 हारे हैं, जबकि 1 मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ है और 11 पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के, 0.224 नेट रन रेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड का। जबकि अब पिशावर जलमी तीसरे नंबर पर आ चुकी है, जिन्होंने 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 3 हारे हैं और 1 मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ है, 11 पॉइंट्स हैं पिशावर जलमी के, 0.148 नेट रन रेट है पिशावर जलमी का। और चौथे नंबर पर क्वेटा ग्लेडिएटर मौजूद है, जिन्होंने 9 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं, 3 हारे हैं और 1 मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ है, 11 पॉइंट्स हैं, जबकि -0.535 नेट रन रेट है क्वेटा ग्लेडिएटर्स का। जबकि पांचवे नंबर पर कराची किंग मौजूद है, जिन्होंने 9 मैच खेले हैं, 4 जीते हैं, 5 हारे हैं और 8 पॉइंट्स हैं, -0.200 नेट रन रेट है कराची किंग। और छठे नंबर पर लाहौर कलंदर मौजूद है, जिन्होंने 10 मैच खेले हैं, 1 मैच जीता है और 8 मैच हारे हैं और 1 मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ है, 3 पॉइंट्स हैं, -0.554 नेट रन रेट है लाहौर कलंदर्स का। और आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर्स प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हुए, जबकि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स अब इस टूर्नामेंट से ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।